हेलो दोस्त, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है दोस्त, तो आप बाहर जाते नहीं होंगे और पढ़ाई आप लोगों का कंटिन्यू चलता होगा दोस्त। जितने मैंने सीरीज टेस्ट का, कोडिंग डिकोडिंग का, जो भी चैप्टर वर्गीकरण का मैं बताया दोस्त, उससे अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं दोस्त, ताकि उस चीज़ को, उस समस्या को हम फिर से आपको हल करके दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करें दोस्त। चलिए उसी को देखते हुए हम लोग पिछली क्लास में सीरीज टेस्ट कर रहे थे दोस्त, उसका कुछ पार्ट आज मैं ले गया हूँ। थोड़ा सा सीरीज टेस्ट में क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल का मैं ले गया हूँ दोस्त। चलिए उसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। 2/3, 7/9, 12/15, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा। फिर दे रहा 22/27 दोस्त। अगर आप देखेंगे तो 2/3 और ये 7/9 कहीं ना कहीं देखेंगे दोस्त तो या तो गुणा हुआ हो या तो प्लस हुआ हो, क्योंकि जो सीरीज है वो बढ़ते क्रम में आगे जा रहा है दोस्त। तो इसमें या तो गुणा हुआ हो या तो प्लस हुआ हो, माइनस तो होगा नहीं दोस्त, क्योंकि माइनस होता तो घटते क्रम में सीरीज जाती। तो इसीलिए दो ही दो विकल्प, दो चीज़ हो सकते हैं, या तो गुणा या तो प्लस, या एक एक फंडा और भी स्क्वायर भी हो सकता है। उसी क्रम में जो सीरीज है वो बढ़ते जा रहा है दोस्त। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए 2/3 है, अगर हम देखें 2/3 में दोस्त सॉल्व करने, अगर हम 2/3 में, अगर हम यहाँ पे 2 में अगर 5 जोड़ दें तो हमें दोस्त जो प्राप्त हो रहा है 7, जो दोस्त हमें प्राप्त होगा 7। अगर वैसे 3 में प्लस 6 जोड़ें तो हमें प्राप्त हो रहा है 9। इसका मतलब जो सीरीज है दोस्त इसमें प्लस किया हुआ है। अगर हम 3 करते हैं, अगर इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या 2 में 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई या 2 का गुणा या 3 का गुणा अगर हम करेंगे तो क्या 7 प्राप्त होगा दोस्त? नहीं होगा। इसीलिए जोड़ जोड़ के हम देखते हैं कि सीरीज बनता जा रहा है क्या, तो बनता जा रहा है दोस्त, तो उसी तरह हम करेंगे। चलिए अगला सीरीज को देखते हैं 7 में, दूसरे सीरीज को देखते हैं 7/9। अगर हम 7 में 5 को जोड़ें तो 7 × 5 = 12 आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज जा रहा है वो हमारा सही जा रहा है दोस्त। उसमें अगर 9 में 6 जोड़ें, 9 × 6 = 15 हो रहा है। इसका मतलब जो सीरीज जा रहा है दोस्त वो सही जा रहा है। उसी तरह 12 में प्लस 5 करें, 12 में अगर प्लस 5 करें तो 17 होगा, और 15 में प्लस 6 करें तो 21 होगा, 21। तो दोस्त ये जो खाली स्थान है, अगर इसमें 5 जोड़ते हैं और इसमें 6 जोड़ते हैं, जो सीरीज क्रम से चल रही है उसी क्रम में, तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है 17/21। यही दोस्त हमको पूछ रहा है, ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा 17/21। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 17/21 जो आंसर निकल रहा है दोस्त, 17/21। अगर दोस्त इसमें देखें हमारा सीरीज सही है कि नहीं, क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं। अगर हम 17 में 5 अगर आप ऐड करते हैं, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सीरीज सही जा रहा है। उसी तरह 21 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 27 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन ये भी सीरीज टेस्ट का है। आज आपका जो सीरीज टेस्ट चल रहा है वो आखिरी स्टेप पे चल रहा है दोस्त, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को मैं दोस्त आज लेके आया हूँ आपके बीच में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इसमें भी पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्त। तो इस सीरीज में आप देखेंगे 2 के बाद 5 हो रहा है, 5 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 23 हो रहा है, 23 के बाद 47 हो रहा है। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये सीरीज जो है बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है दोस्त। तो इस सीरीज को या तो प्लस हुआ हो या तो स्क्वायर हुआ हो या तो प्लस करके स्क्वायर हुआ हो या तो गुणा किया हो, इसी क्रम में ये सीरीज आगे बढ़ रहा है दोस्त। तो चलते हैं देखते हैं सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्त हम देखें, अगर हम दोस्त देखें 2 में 2 का गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमें क्या 5 प्राप्त हो रहा है दोस्त,
सही है। अगर हम दो में दो का गुणा कर रहे हैं दोस्त और प्लस एक कर रहे हैं तो हमें पाँच प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में पाँच में दो का गुणा कर दें प्लस एक कर दें तो हमें जो प्राप्त हो रहा है संख्या वो 11 हो रहा है। सेम उसी क्रम में चलेंगे दोस्त आगे, तो 11 में अगर दो का गुणा करते हैं प्लस एक करते हैं, 11 दूनी 22 और एक 23 प्राप्त हो रहा है दोस्त। तो इसी तरह आगे चलते हैं दोस्त, 23 में दो का गुणा करेंगे प्लस एक करेंगे, इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा 23 दूनी 46 और एक 47 दोस्त, जो प्राप्त हो रहा है 47। इसका मतलब यहाँ तक तो जो सीरीज जा रहा है वो सही क्रम में जा रहा है दोस्त, एक क्रम बन रहा है, जो एक क्रम बन रहा है दोस्त उसी क्रम में चलते हुए जा रहा है सीरीज। तो दोस्त जब 47 की बात आती है तो 47 में भी उसी क्रम में 47 में दोस्त देखते हैं, 47 में अगर हम दो का गुणा कर दें प्लस एक कर दें तो इसका मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो निकल के आएगा दोस्त वो 95, जो हमारा ऑप्शन में मिल रहा होगा, आपको ऑप्शन में देख रहे होंगे तो ये जो खाली स्थान की जगह पर 95 निकल के आया दोस्त, तो जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्त वो 95 आएगा दोस्त। इसी तरीके से कुछ माइंड से कुछ प्रैक्टिस आप जब घर पे करेंगे किसी बुक से या कोई प्रैक्टिस सेट से, सीरीज टेस्ट की कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्त, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्त कि आप कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्त एक और सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी टाइप को, जितना सीरीज टेस्ट में अल्फाबेट हो या कोई भी टाइप हो, जो दोस्त मैं यहाँ पे सारे टाइप का क्वेश्चन आपको बताया हूँ दोस्त। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब मैं दोस्त बता रहा हूँ, आप वीडियो को देख रहे होंगे तो जब मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन बट दोस्त ये बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल के मैं आज क्वेश्चन ले आऊँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें दोस्त पाँच ऐसे क्वेश्चन को दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत तेजी से सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्त कभी भी ऐसा जब सीरीज हो तो आपको जब दो फैक्ट हो, जैसे एक हो ये, इन दोनों को आपस में जोड़ के देखिए क्या है, वो अगला अंक आ रहा है क्या, या तो जब बढ़ रही है या घट रही है, या तो माइनस करके देखिए अगला अंक आ रहा है क्या दोस्त, या तो गुणा करके देखिए अगला अंक आ रहा है क्या। तो चलिए इसको हम प्लस करके देखते हैं दोस्त। अगर हम पाँच प्लस आठ करें तो हमें 13 प्राप्त होता है, 8 5 13 होगा। उसी तरह 7 2 को प्लस करें तो 9 प्राप्त हो रहा है दोस्त। सेम उसी तरह 6 4 को प्लस करें तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो 8 प्लस 2 को करें तो हमें 2 निकल के आएगा दोस्त 10। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्त वो 10 आएगा। तो जो हमें ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे देखिए दोस्त, उसमें 10 आपको ऑप्शन मिल रहा है, यही हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चलिए दोस्त ये भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है दोस्त, ये भी क्वेश्चन एक सीरीज टेस्ट का ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन है 4, 8, 9, 27, 16, 64, ये जो खाली स्थान है वहीं पे हमें बताना है क्या होगा, उसके बाद 125 दिया हुआ है दोस्त। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, अगर हम देखें, अगर आप ध्यान से देखें दोस्त तो सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। हम आपको बताएं जब सीरीज बढ़ती हो घटती हो तो या तो स्क्वायर हुआ हो, या तो प्लस हुआ हो, या तो गुणा हुआ हो दोस्त। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम दोस्त 4 की बात करें तो देखें 4 कैसे आएगा, अगर हम 2 का वर्ग कर दें तो हमें 4 प्राप्त होगा। उसी तरह दोस्त अगर हम 2 का क्यूब कर दें, घन कर दें, तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है। सेम उसी तरह दोस्त देखें अगला सीरीज बनता जा रहा है क्या, तो 9 का देखें दोस्त तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। उसी तरह अगर 27 को देखें दोस्त तो 3 का
घन करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते क्रम में 4 का वर्ग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह अगर दोस्त 4 का घन करेंगे तो हमें 64 प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब दोस्त है कि 2 का वर्ग हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का वर्ग हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का वर्ग हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है। तो ऐसा हमारा श्रेणी जो जा रहा है क्रम में बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसी तरह अगला क्रम में अगर हम 5 का वर्ग करें तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो ये जो खाली स्थान है दोस्त, अगर हम 5 का वर्ग कर रहे हैं तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर 125 अगर हम 5 का घन करें तो हमें 125 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो श्रेणी का जो क्रम है एक क्रम में चल रहा है दोस्त, वर्ग क्यूब में चल रहा है दोस्त। तो जो हमारा ऑप्शन है 4 विकल्प में 25 हमारा राइट आंसर होगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है दोस्त आंसर वो 25 होगा दोस्त। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्त इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, 840 168 42 14 7। इसमें आप दोस्त देखेंगे 840 168 हो जा रहा है, मतलब 840 के बाद 168 हो रहा है। इसका मतलब बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है दोस्त। गिरावट मतलब आप बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है सीरीज। तो ऐसे सीरीज जब आपको देखने को मिलेगा दोस्त एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस में या किसी चीज़ में, तो आपको सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है इसमें ये किसी ना किसी से ये डिवाइड हुआ होगा या भाग हुआ होगा दोस्त। चलिए देखते हैं ऐसे सीरीज को कैसे हल करेंगे दोस्त। ध्यान से दोस्त देखिएगा, 840 को अगर हम 5 से भाग दें, मतलब ये 5 से डिवाइड किया दोस्त 168 निकल के आ रहा है। उसी तरह दोस्त अगर 168 को 4 से डिवाइड करें तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 हो जा रहा है। उसी तरह दोस्त 42 को हम लें, 42 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 14 आ रहा है। अगर हम उसी तरह 14 को 3 के बाद 2 से डिवाइड करें तो 14। 7 को अगर हम 7 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा 7 आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उसमें आपको कहीं ना कहीं 7 लिखा हुआ है। तो जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा वो आंसर निकल के आया है 7। आशा करता हूँ दोस्त कि आज का क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी के साथ आज हमारा सीरीज टेस्ट का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक ले दोस्त थैंक यू।